फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाचारी खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। खबरें हिंदी टीवी न्यूज से आप देख रहे हैं इस समय समाचारी खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आज ईद मिलादुन नबी का जलसे मुबारक आज निकाला जा रहा है गोरे गांव में। इसके देख सकते हैं आप, लोगों ने यहाँ पे अपने अपने तरीके से बंदोबस्त किया गया, लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोगों के लिए खाना रखा गया है और कुछ रखा गया। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के खालिद भाई भी है, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। खालिद भाई, कैसा है, कैसा रहा ये कल भी? लोगों ने कल भी बनाया और आज भी बनाया जा रहा है, किस तरीके से? आपके माध्यम से पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज देखा जा रहा है मुंबई के अंदर इस बार 28 तारीख को जो मिला भी नबी थी, मगर वजह थी दोनों गणपत भी विसर्जन का और दोनों साथ लगा, तो पूरे महाराष्ट्र और पूरे मुंबई के अंदर लोग ने बहुत जोश के अंदर 28 तारीख 27 तारीख 29 तारीख और आज 30 तारीख बड़े जोश के अंदर, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग जो मुंबई पुलिस ने जो लोगों का किया, और हमारे जो आलिम लोग हैं, हमारे मौलाना लोग हैं, बहुत अच्छे से जो अच्छे से सब लोग हर एरिया में अपने अपने सिस्टम से अलग अलग सिस्टम से निकाल के सिस्टम अच्छे से दुरुस्त किया जा रहा है। और आज गोरेगांव वेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा जुलूस जो हर साल होता है वो आज भी हो रहा है, और हमारे जो लक्ष्मी नगर के जो लड़के लोग हैं और हमारे पूरे ग्रुप के लोग हैं, आज जो लोगों की कौम के लिए जो मदद की जाती है हमेशा अपने अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करके जो मदद करते हैं आज आप लोग के सामने, और हर साल भर जोर से करते हैं, मगर इस बार मजबूरी थी जो लोगों को स्ट्रेट लगाने नहीं मिली बहुत जगह, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से टाइम नहीं मिला लोगों को, इलाज अच्छे से है। और आप लक्ष्मी नगर के लोगों बहुत जोर जोर में करते हैं। आप देख सकते थे हमारे साथ खालिद साहब थे, हम उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश किए और उन्हें भी बताया इस तरीके से आज जो था 3 दिन से जुलूस से जलसा निकाला जा रहा है बराबर से अच्छे तरीके से। और हमारे साथ हैं अभी हमारे साथ हमारे पत्रकार ओम प्रकाश चौहान भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनका कैसा अनुभव रहा सर, आपका कैसा अनुभव रहा इस समय जो कल के जो माहौल के साथ गणपति का दिन भी था, कल का गणपति किस तरीके से परसों के दिन बनाई गई और ये ईद मिलादुन्नबी किस तरीके से मनाया जा रहा है? गणपति भी बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई और आज गणपति का भी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और माहौल शांति का बहुत अच्छे तरीके से भाईचारे से निकल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हमारे ओम प्रकाश रिपोर्टर भी थे, उन्होंने भी सर्वे किया, परसों के दिन भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी सर्वे किया। आज हमारे साथ वो भी है और इनोज शेख के साथ समाज की खबरें, कैमरामैन दाऊद खान के साथ इनोज शेख, समाज की खबरें मुंबई। सर, आपको कैसा लगा आज जो प्रोग्राम हुआ, किस तरीके से प्रोग्राम किया और किस तरीके से पब्लिक ने आपको कोऑपरेट किया? सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से हम साथ किया है, 10 बजे चालू करके 2 बजे तक सब लोग बहुत बड़े उत्साह से और बहुत शांतिपूर्वक एकदम जो बोलते हैं ना कि उत्साह सा उत्सव मनाते हैं उस हिसाब से आप लोगों ने मनाया, इसलिए हम पुलिस की तरफ से और जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बंदोबस्त कैसा रहा, पब्लिक का जो सपोर्ट रहा किस तरीके से रहा वो और कैसा दिया उन्होंने? पब्लिक का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, इतना बड़ी तादाद में पब्लिक थी, लेकिन इतना शांतिपूर्ण और इतना डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से चला, कम से कम 6-7 किलोमीटर चले लेकिन बहुत डिसिप्लिन से हो गया, बहुत अच्छा, सबको धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बिहार में यहाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ इनकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया, और साथ ही साथ इन्होंने सपोर्ट के साथ साथ हमें जो है हमारा ख्याल भी रखा कि किसी तरीके से जो है हमें कोई दिक्कत ना आए, कोई ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना आए, तो इतना हमें जो है उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरी बात ये कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लावारिस बॉडीज का ये जो इंतजाम करती है, जैसा कंफ्यूम करना या उसका जो है अंतिम संस्कार करना जो भी है वो करते हैं। इस समय हम यहाँ के इमाम साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुलूस का आगाज जो हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ मीठानगर से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जश्ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दौरानी जुलूस मस्जिद अहले सुन्नत गौसिया मीठानगर से की शुरुआत हुई, जिसकी क़यादत हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी अब्दुल जब्बार खान साहब अल्लाह कादरी
राशि में आला दारू अहले सुन्नत बरकातिया गुलशन नगर जोजो शरीफ की क़ियादत में और अहले सुन्नत की क़ियादत में और उनके हुकूमत में गोरे गाँव विश के तमाम अवामनाज अहले सुन्नत की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गश्त करता हुआ पूरे गोरे गाँव विश से मस्जिद अहले सुन्नत गौसिया पर सलातो सलाम व दुआ हज़रत अल्लामा क़ारी जब्बार खान साहब अल्लाह की दुआओं पर इख्तिताम पसीर होगा। इंशाअल्लाह तआला बड़ी ही कामयाबी के साथ प्रोग्राम अमन व सलामती का पैगाम देते हुए मस्जिद अहले सुन्नत गौसिया पर इख्तिताम पसीर होगा। अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को खैर व बरकत से हुज़ूर के सच्चे में हम सबको अमन व सलामती हमारे खासकर मुंबई शहर और हिंदुस्तान में अमन व सलामती की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमन व सलामती रखे और हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट गाँव के पुलिस डिपार्टमेंट को सराहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे जुलूस को कामयाब बनाने में पूरी पूरी उनकी कोशिश रही और वो हमारे साथ पैदल चलते और इस जुलूस में पूरी पूरी पूरा पूरा ताउन किया। अल्लाह ताला सबको पैरों बरकत दे, अपने सलाम की दे और तमाम बीमारियों को अल्लाह तक फरमाए हमारे शहर बम्बई में अमन व सलामती अदा। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।